हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। तो जी 1:30 बज गए दिन के। अभी मैं वासु को लेके आई हूँ स्कूल से। अभी फिर से काम स्टार्ट हो गया। अभी मेरे को बनानी है सब्जी रोटी। सब्जी बनाऊंगी, दाल बनानी है। आज दिन में दाल बनानी पड़ेगी क्योंकि इसके पापा जा रहे हैं घूमने के लिए उत्तरकाशी। तो बोल रहे हैं कि अभी खाना बना, थोड़ा बहुत शाम को भैया खा लेंगे, फिर बाहर का तो खाना है ही 2-3 दिन। तो इसलिए मैंने दाल भिगो रखी है, जैसे 3-4 तरह की दालें हैं वो सब भिगो रखी हैं। अब उनको उबाल देती हूँ और रोटियाँ बनानी है मेरे को। पूरी पूरी गर्मी में परेशान हो जाएंगे कह रहे थे खाने से। तो रोटी और दाल मेरे को बनानी है। और भाई जो वहाँ पे जाएंगे घूमने के लिए, बीच बीच में वहाँ से मैं क्लिप मंगवाऊँगी उत्तरकाशी जी की, तो वो भी बीच बीच में मैं अपना ऐड करती रहूँगी ब्लॉग के अंदर, कि मुझे भी देखने को मिलेगा और आप सबको भी दिखाऊँगी मैं। तो चलिए, अब मैंने खा ली थोड़ी सी जो, और फिर इसके बाद करेंगे छोटी सी पार्टी, क्योंकि हमारे लिए लेके आ रहे हैं कुछ खाने को, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो फेमस चीज़ है दिल्ली की वो। तो जी चलिए, अब सबसे पहले रोटी और दाल बना देते हैं। ठीक है, गिरा देख ले। के तेरे एक ही खाता, तू मैंने 2 बांध दिए थे, तो एक खा ले आम काटी आम के साथ खा ले, वो ब्राम ब्राम के साथ खा ले। अरे बहुत स्वाद लगता है। नहीं तो तू बाहर तू दाल रोटी बना दूँ। बाबू वहाँ से दारू ले बेटा, यहाँ पे देख थोड़ा गिरा हुआ, कुछ दारू डालूंगी घर पे पड़े ना। ये कौन रोटी बनाएगी? ओ हो 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 मेरा बना मैं पाछा पाछा नहीं देख लिया भाई। अरे अच्छी है, कुकर वाली शरीर नाम की गया। बाबू दारू ले बेटी, जल्दी ले क्या फटाफट। श्री गिरान के मंदिर से जाने की कुकर पे बिना नहीं मैं मैं तेल लिया हम कर दिया खा ले। आम को छील दिया है, से अपना बुटी मार मार के खा लेना। देख छील ना, पूरा आम खा रहा, पकड़ तू पकड़ बुटी मार, इसी में बैठ के थोड़ा थोड़ा लगा मीठा वो मीठे आम दिखाई ना। मैं ऊपर पानी मकाट दिया, पसीने की बात कर रही हैं। ऊपर बात में पानी मकाट दिए ना। सॉरी तो इधर जाकर करते हैं, तन्ना कह दिया वाकई। चम्मा पानी बना लिए। वासु कमरे की लाइट बंद नहीं करी। आए तो जी मैंने यहाँ पे दाल उबाल दी है और रोटी बना दी है। तो मैं अब तड़के की तैयारी करूँगी। रोटी मैंने बांध के रख दी है और इधर मैं प्याज और लहसुन काट लेती हूँ। और अब इसके पापा आने वाले, कहीं बाहर गए हुए हैं। तो जी मैं सारा काम करके आ गई हूँ अब अपना यहाँ पे, क्योंकि रसोई में इतनी बुरी गर्मी लग रही थी, एक मिनट भी खड़ा होने का मन नहीं कर रहा था वहाँ पर। तो जी अब मैं कपड़े डाल देती हूँ सारे, जैसे भाई बांधने हैं उनके ले जाने के। तो ये वासुन तो ये यहाँ पे गीला गिरा दिया था, तो मैं उसको गुस्सा कर रही थी।
तब अब उनके कपड़े निकाल देती हूँ अलमारी में से, कौन कौन से लेके जाने हैं तो वो अपनी छाट लेंगे, फिर बाद में बैग में डालूंगी जब देख लेंगे उसके बाद। तो जी अब मैं यहाँ पे कपड़े निकाल थी और खुशी अपना ये व्लॉग बना रही थी बैठी बैठी आराम से, और वासु टीवी देख रहा था। तो टाइम हो गया है 2:30 के करीब का टाइम हो गया था दोपहर के, तो इसलिए भाई काम करने बिल्कुल मन नहीं करता क्योंकि गर्मी हो जाती है दोपहर को, तो इसलिए। तो इसके पापा आ गए हैं और हमारे लिए लाए हैं कुछ खाने के लिए, वो है दिखाऊंगी आपको। ये है नान, स्टफ नान है ये, और ये सब्जी है और सलाद साथ में आती है, ये सबको पता है। तो जी भूख भी लगी थी क्योंकि सुबह से हमने भी कुछ नहीं खाया था, उन्होंने मना कर दिया था, तो सुबह एक एक रोटी सब ने खाई थी। तो कहते कि आज तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ, ये है प्रीतमपुरा के मसूर स्टफ नान। तो आज ये हम हमारी पार्टी करा के जा रहे हैं, बोल रहे हैं मैं घूमने जा रहा हूँ तुम्हारी पार्टी करा के जाता हूँ आज। कैसे लगे वासु? देखिए अब हमारी थालियाँ लग चुकी हैं, इधर रायता है, इधर प्याज है इमली वाले और छोले हैं और स्टफ। किस किस का मन कर रहा है खाने का, प्लीज़ आ जाइए और खा लीजिए। तो चलिए अब हम खा लेते हैं और हमारे खाने के बाद फिर इसके पापा जाएंगे क्योंकि सब तैयार हो चुके हैं, तो ये अब निकल जाएंगे। और उनकी भी मैंने चोरी चोरी छुपके छुपके थोड़ी थोड़ी क्लिप ली है, तो वो भी आपको बीच बीच थोड़े बहुत दिखते रहेंगे। और जी जहाँ पे ये देहरादून साइड में घूमने के लिए जा रहे हैं वहाँ का भी ब्लॉग मैंने बोला शूट करने के लिए, थोड़ा बहुत मेरे पास भेज दे और मैं आपके साथ शेयर करूँ उधर की। तो जी ज़रूर देखना मेरे ब्लॉग, मन से बनाती हूँ लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, बहुत मेहनत करती हूँ मैं। तो जी देखिए अब हमारा खाना स्टार्ट हो गया है, अब इनका भी खाना पैक कर देती हूँ। इसमें मैंने दाल डाल दी है बोतल में, ये इसमें भी सलाद है, ये डब्बे हैं, अभी रास्ते में कहाँ बर्तन लेंगे, तो सारी तैयारी मैंने कर दी है। तो अब इनको मेरे को डालना है बैग के अंदर सारा सामान, और इसके पापा गए हैं नहाने के लिए और हमने खाना खा लिया है और खुशी गई है ट्यूशन पर। तो जी ये सारे कपड़े मैंने छाट लिए हैं, उन्होंने बता दिया मेरे कौन कौन से कपड़े डालने हैं, तो ये सारे कपड़े डाल दूंगी। और प्लीज़ मेरे व्लॉग पूरे देखना क्योंकि मैं उधर ही के पापा गए हैं घूमने देहरादून साइड में, तो उधर के सारे व्लॉग जितने भी वह घूमेंगे तो मैं डालूंगी, शेयर करूँगी। कल ज़रूर व्लॉग बनाऊँगी एक भाई, जैसा भी वो वहाँ से भी बना के भेजेंगे। तो जी अब मैं बैग पैक कर देती हूँ और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो जी देखिए बैग पैक हो गया है और ये अपना कुछ कुछ सामान इनका रहेगा तो अपना वो इकट्ठा कर रही हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक मेरी राम राम।